तो उसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज का प्याज। तो ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्की सुनहरे से रंग की तब तक इसको पकाना है। उसके बाद मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज का टमाटर। उसके बाद मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिल्ली, जैसे मैंने इसे ऐसे कट कर लिया है। उसके बाद मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। उसके बाद मैं इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से प्याज अदरक लहसुन टमाटर भूनते हैं तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये देख सकते हो आप, टमाटर लाइटली सॉफ्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसको ठंडा करके ब्लेंडर में चला लेंगे। उसके बाद ऑयल को गरम करके मैं सूखी मिर्च और जीरा डाल दूंगी और गरम मसाला डाल दूंगी, इलायची वगैरह, और 2 सेकंड तक मैं इसे भून लूंगी। उसके बाद मैं डाल दूंगी प्यूरी जो कि मैंने ब्लेंडर में चला लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी और इसका अब हम इसी प्यूरी से करेंगे हमारी मटर पनीर का बेस ग्रेवी। अब हम नमक हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे और फिर इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से ऑयल निकल रहा है तो ये बनके तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर और ये सब मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मटर और मसाला को। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसे ढक के पकाऊँगी, ढक के 1 मिनट तक ही पकाऊँगी। अब मैं ढक्कन को हटा दूँगी और इसे थोड़ा चला दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी पनीर। उसके बाद पनीर मटर मसाला ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो अगर आपको बहुत थिक पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी। करीब 4 मिनट तक मैं इसे ढककर तेज आंच में पका लूंगी। तो ये देख सकते हैं मेरा मटर पनीर बनके तैयार है। मेरी आज की ये मटर पनीर वाली रेसिपी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली वालों के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।